अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना ठंडा पानी। हाय रब्बा, दार्जी छत गिर गई मेरे ऊपर, मर जाती मैं तो। अरे छत कैसे गिर गई? दार्जी मैं तो यही सोची हूँ और क्या क्या देखना बाकी है। सोचा था सर पे छत तो होगी, लेकिन ऐसी छत जो सर पे ही गिर रही है। माँ क्या हुआ? माँ भाभी वॉशरूम की छत गिर गई। माँ कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? आप ठीक हो ना? कैसे रहते हो तुम लोग इस तरह के घर में जहाँ सर पे छत गिर रही होती? वो क्या है ना माँ, बहुत दिनों से घर की मरम्मत नहीं हुई ना, इसीलिए गिर गई होगी। अब मैं नहाऊंगी कैसे? इस गंदी गोबर की बदबू के साथ मैं तो नहीं रह सकती, तुम लोग को आदत होगी। जिनके भरोसे अमीर बनने चली थी, इनके तो खुद के कटोरा लेके भीख मांगने के दिन आ गए। और एक वो है जो बोलता खुद को अपना मसीहा है, लेकिन उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं? प्राइवेट नंबर से मैसेज? अगर इस गरीबी से छुटकारा चाहती हो तो शिव मंदिर के पीछे वाले जंगल में आ जाओ। बाबा जी मानना पड़ेगा, इस बंदे में बात तो है और इस बात का तो मुझे भरोसा हो गया कि ये कम से कम ये तो मेरी भलाई चाहता है। बाथरूम का है? यही माँ, आप यहाँ आराम से नहा सकती हैं। यहाँ खुले में तेरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे माँ उसका भी इलाज है ना मेरे पास, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, आप रुकिए। हाँ राजी ने, इससे क्या करोगी तुम? इससे आपके लिए माँ दीवार बनाऊंगी। ये देखो माँ आपकी दीवार तो खड़ी हो गई। अंदर जाइए मैं आपको समझाती हूँ। हाँ हो गया। मैं खुले में कैसे नहाऊंगी, कोई आ जाएगा तो फिर? बेटा आप नीचे उतर जाइए, उधर नहाइए और जोर जोर से गाना गाइए। माँ मैं गाना गाऊँ नहाते वक्त? हाँ माँ मुझे आप पर ना पूरा भरोसा है, आप बहुत अच्छा गाना गा सकती हैं। आप शुरू हो जाइए, जाइए माँ जल्दी जाइए, आराम से चलिए माँ शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे बाथरूम अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। माँ 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 से गाना गाओ। अरे मौत क्यों नहीं आ जाती इसको? माँ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से गाना। जाने कहाँ गए वो तेरी याद में। हे माता रानी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझसे जितना बन पाए जितना हो रहा है ना उतना आराम दे सकूं अपने पूरे परिवार को। पर वहाँ तेजसर जी और पापा जी पता नहीं किस हाल में होंगे, उनकी रक्षा करना
सारी शुरुआत उसी दिन हुई थी जिस दिन मैंने तुझे गुस्से में मौका भेजा था। ना मैं तुझे मौका भेजता और ना तुझे आज मेरी वजह से ना ये सब दिन देखने पड़ते। नहीं नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगर आप मुझे मौका नहीं भेजते ना तो आज मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होता? और ये सब छोड़िए, मैं दालचीनी से कैसे मिलता लाइफ में? लेकिन मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। एक हम भी तो अंदर बैठे हुए ना, अगर बाहर होते तो अभी तक उस कमीने को ढूंढ निकालते कहीं ना कहीं से। ठीक है डैड, रिलैक्स। दालचीनी ने कहा है ना कि वो उस आदमी का पता लगा कर रहेगी। मुझे दालचीनी पर पूरा भरोसा है। और आप देखोगे ना, एक दालचीनी है जिसने इस बात को नोटिस किया कि उस जोकर को ना पार्टी में किसी ने बुलाया नहीं था, वो बिन बुलाया आया था वहां पे। और डैड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, इन सब में उस जोकर का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। देख लेना आप। क्या हुआ, अब तक अंगीठी नहीं जलाई कला ने? अरे कला तो बाहर लकड़ियां लेने गई थी, मुझे लगता है खुद ही लकड़ी की तरह कहीं गड़ गई, आई नहीं अभी तक। कला बिना पता नहीं बिना बताए कहां चली गई, मैं देखती हूँ। कला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू लियाई वे, चटकी च पेश है बिरयानी रस मलाई वे, सब महक महक दा जावे, दिल बहक बहक दा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। अब बच्चों आपको बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी। हाँ बस रूही ध्यान रखना है समर का, वो गरम गरम अंगीठी छूना ले। ठीक है भाभी। अब पता चल रहा है पुत्र कि तेरे जाने के बाद ये घर वीरान सा क्यों हो गया था। तू ही तो आत्मा इस घर की बेटा, अब देखो ना हमारे आने के बाद ये घर फिर से जीता जागता घर लग रहा है। हम सब का इतना ख्याल रखने के लिए शाबाश पुत्र। इसमें क्या शाबाशी दार जी, अगर अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाई तो तू है मेरी जिंदगी पर। हम आज के दिन को हम दोनों के लिए यादगार बनाना चाहते हैं पल्लवी, क्या आप हमारी वैलेंटाइन बनेंगे? बस अब जल्दी आ जाओ पल्लवी, हम चाहते हैं कि ये तोहफा हम आपको अपने हाथों से पहना। शिवा आओ हमारे साथ। शिवा वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, ये लोग उसी तरफ जा रहे जाए इन्हें नहीं जाना चाहिए। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। पुत्र। हाँ दादी। मेरी दवाई का टाइम हो गया है, कुछ खाने को हो जाता तो। हाँ हाँ दादी, बच्चे भी भूखे, मैं अभी जल्दी से कुछ बनाती। थोड़ा सफेद मक्खन होगा? हाँ दादी है। जब तक सफेद मक्खन वाले पराठे साथ ना हो, तेजर जी के हलक से तो चाय भी नहीं उतरती। पता नहीं वहां जेल में उन्हें क्या मिल रहा होगा खाने के लिए। पुत्र अभी लाती हूँ। हाँ बुआ जी। मैंने सुना है अपने घर को धर्मशाला बनाकर तूने ये गरीब ओ तो आप लोग हैं गरीब लोग राजपंत जी, करोड़ों की आपकी जायदाद थी, उड़ गए तोते।
मेरी शान और मेरा रुतबा पैसों के मोहताज कभी भी नहीं थी। मैं तो मजाक कर रही थी, आपने मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ना, मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेकर आई थी। आपको तो पता है ना, मेरी आदत है भूखे लोगों को खाना खिलाने की, बस तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। बुआ जी, कैसी हैं आप? ठीक कबूतर। सत श्री अकाल दार जी। जी तेरो पुत्र। माँ आप आइए यहाँ पर, मैं आपको बैठने के लिए लेकर आती हूँ। आओ माँ, यहाँ बैठो। दालचीनी पुत्र, ये खाना ना सबको खिला दे। मक्की की रोटी और सरसों का साग बना के लाई हूँ। जी बुआ जी। ये लड़की अब ये कला का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं सबको किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? उस जोकर का भी पता लगाना बहुत जरूरी है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना। अब दाजी, वो आदमी जिसने हमारी ये हालत की है उसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है दाजी। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जाकर आऊं। जा पुत्र, हम अपना ख्याल रख लेंगे। जी दाजी। माता रानी, उस आदमी के बारे में पता करने में मेरी मदद करना। सोचा था आज यार घर जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन अब ये जो ढिल्लो हाउस की सीसीटीवी फुटेज आई है, अब बैठ के रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। Excuse me. आप एक सेकंड के लिए वीडियो मुझे दिखा सकते हैं? देखिए, हमारे घर पे एक पार्टी थी और कोई आदमी जोकर बन के आया था। आपको फुटेज दिखाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन था। ये वही आदमी है जिसने हमें यहाँ फंसाया और जिसने हमारे मसालों में मिलावट किया। प्लीज प्लीज एक बार दिखा दीजिए प्लीज। अगर हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपका केस तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, और यही तो चाहिए आपको, तो एक बार दिखाइए प्लीज। बड़े साहब के सामने बताना मत कि हमने ये एविडेंस तुझे दिखाया है। थैंक यू सो मच। कहां से पता लगाओ कि वो जोकर कौन था? किससे पूछूं? जी, आपकी ना थोड़ी सी मदद चाहिए थी। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये नाग कौन सी दुकान से खरीदा गया है? ये स्टिकर तो मेरी ही दुकान का है, यही से खरीदा गया है। जी, आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि ये किसने खरीदी है? मतलब ये 3-4 दिन में कोई आया होगा इसे खरीदने के लिए, तो कुछ याद होगा आपको? मैडम जी, 50 रुपए की चीज के लिए कौन रिकॉर्ड रखता है? सबके चेहरे याद रखना इतना आसान थोड़ी ना है। ठीक है, लाइए। करूं कैसे पता लगाऊं कि जिसने मेरे परिवार को इतना दुख पहुंचाया है वो? माँ, आप मुझे हर पछड़े से बाहर निकालते हो ना, तो इस पछड़े से भी बाहर निकाल दो ना। जल्दी जल्दी अपना मूड चंगा करो, क्योंकि आपका मूड चंगा तो टल जाना है सारा भंग। माँ, आप तो जानते हो ना कि ये नाक वाले आदमी तक पहुंचना मेरे लिए कितना जरूरी है। ये जोकर बीजी का आशीर्वाद क्यों ले रहा है? मतलब बीजी को तो किसी भी इंसान से मिले हुए या बात किए हुए कितने साल हो गए, तो ये फिर बीजी का आशीर्वाद क्यों ले रहा है? पापा जी और तेज सर जी का सवाल है माँ, कोई इशारा दे दो, कोई मदद कर दो, मदद कर दो। पापा पापा, मुझे भी चाहिए वो जोकर वाली ड्रेस। ये ब्रेसलेट
इतने सालों बाद ऐसा कैसे हो सकता है? जोकर की ड्रेस, जैसे जो उस दिन मैंने पहनी थी। कहीं ये वही आदमी तो नहीं? कम से कम यही यकीन तो हुआ कि वो तू ही है। तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया है ना, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं जानता था कि मेरी पहली मुलाकात तुमसे इतनी एक्साइटिंग होगी दालचीनी। Let's have some fun. Fun? तो ऐसे पार्लर जाने के पैसे ना, ऊपर से मुझसे चमड़ी काली हुई जा रही है। बाबा जी क्या कर रहे हो? रुको! अच्छे से जानता हूँ तुमको। अगर मुंह बंद नहीं किया ना तो इसी गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। दीपक, दीपक फोन उठा। तुम तो वही हो, मेरे मसीहा। हाँ, वही मसीहा जो तुम्हारी जिंदगी आबाद कर सकता है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। करना तो तुम्हें वही होगा जो मैं कहूंगा तुमसे।
लेकिन मैं ये ध्यान से सुनो आगे क्या करना है। दीपक, दाजी आपने दीपक को देखा क्या? हाँ बेटा, वो कला के साथ था। हाँ हाँ, अभी वो बोल के निकला कि कला के साथ कहीं जा रहा है। क्यों, तू इतनी टेंशन में क्यों है? कला के साथ क्या बात है बेटा, बताओगी? अरे कुछ तो बताओ बेटा। आई दाजी, बस दो मिनट। हेलो हेलो, कौन है? अच्छा लगा तुमसे मिलके दालची, इट वॉज अ प्लेजर। आई नो तुम ज्यादा खुश नहीं है, इतने मिनटों के बाद भी तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाए, बट डोंट यू वरी, आई प्रोमिस कि आज के दिन में मैं तुम्हें अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तब तक कीप मिसिंग मी। कौन हो तुम और कहां हो तुम? मुझे अभी मिलना है तुमसे, बताओ। सॉरी दालची, वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, वक्त लगता है, और मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट। सुनो बकवास मत करो तुम। बस क्या मैं जानती थी धारजी, एक दिन मेरा बेटा अपनी काबिलियत जरूर साबित करके दिखाएगा। अरे हुआ क्या है विमी, बताएगी तू? दीपक का फोन था परजाई जी, आज मेरे बेटे ने वो कर दिखाया है जो तेज कभी नहीं कर पाएगा। परजाई जी आखिर कुछ बताओगे भी? और दीपक ने ऐसा क्या कहा आपको? भाई साहब, दीपक ने फोन पे बताया कि उसने हमारा घर वापस हासिल कर लिया है। दाजी दीपक ने घर वापस कैसे लिया ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तक परछाई जी ने मेरे बेटे को निकम्मा और नकारा साबित करने का कोई बहाना छोड़ा नहीं। लेकिन देखिए, जिस बेटे तेज पे ये इतना नाश किया करती थी उसने हमें यहाँ सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, और मेरे बेटे को जो नकारा समझती थी आज उसी की वजह से हमारे सर पे फिर से छत वापस आ रही है। दीपक ने घर वापस ले लिया, पर कैसे?